It's a very good morning to all of you. Welcome, Parul. After so many days, you have joined the class, na? And a very good player you are giving me for not attending the class. Anyhow, to attend the class is equally important. बच्चे आपको क्यों नहीं इस चीज की समझ आती? एक तो attendance register में आपकी attendance कम हो रही है. Secondly, how you will come to know that what pattern of paper and how to attempt and all that. So please do attend your classes regularly. और मुझे मैं कहती हूँ कि मतलब अगर दो तीन दिन छुट्टी कर रहे हैं nobody is मतलब like informing me. कोई मुझे inform ही नहीं करता कि मैम ये problem है ये कुछ. जब तक मैं फोन करके ना पूछूं कि क्या प्रॉब्लम है क्लास नहीं भर. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट मी नो इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर. सो दैट इफ सम टीचर इज आस्किंग मी दैट व्हाई दिस चाइल्ड ऑफ योर क्लास इज नॉट अटेंडिंग द क्लासेस आई शुड हैव द रीजन विद मी. नहीं चलो एनी हाउ सो टूडे वी विल स्टार्ट विद द रिविजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. एज यू नो दैट थर्ड एक्सरसाइज इट्स बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस. कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो डिलीट हो गई है सिलेबस से. सो लेट अस डू इट्स रिविजन. जस्ट अ क्विक ग्लांस आई विल गिव टू दिस चैप्टर एंड आफ्टर दैट वी आर लेफ्ट विद द पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स हमारा फर्स्ट रिविजन टेस्ट का रह गया था. उसके बाद वी विल डू मिक्स्ड क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स असर्शन रीजनिंग एमसीक्यू सारे मिक्स. ठीक है चलिए. वन वीक इज विद अस आफ्टर दैट एंड वी विल डू यूटिलाइज इट लाइक दैट इन दैट वे. सारी बेटे करानी पड़ेंगी. फोर्थ मुश्किल है फोर्थ भी कराऊं. चलिए सो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वी हैव लर्न्ड जो वन वन मार्क के क्वेश्चंस बन के आ जाने हैं कॉन्सेप्ट पहले सीख लो. ठीक है वी डिड सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा विद रेसिप्रोकल और सीकेंट थीटा. साइन का रेसिप्रोकल को शाबाश. ठीक है साइन एस से शुरू होता है उसका रेसिप्रोकल सी से तो सीकेंट थीटा. Then cos theta, secant theta. Reciprocal is with S. Tan theta, and its reciprocal is cot theta. Now, sin theta is abbreviation for sine of angle theta. It is not like sin multiplied by theta. This is the abbreviation of sine of angle theta. Cos theta is the abbreviation of cos of angle theta. This is not cos into theta, right? Similarly, tan, जिसकी full form हम tangent लेते हैं cos की cosine, tangent theta. This is tan of angle theta and so on. Secant and cot we take it to be like cotangent of an angle, right? So we did the reciprocals that sine's reciprocal is cosecant, cos reciprocal is secant. And tan's reciprocal is cot. Then this trigonometric ratios of particular angles, they are having formula according to the sides of the right angle triangle. We discuss these trigonometric ratios in right angle triangle. वैसे तो हम ये जो trigonometric ratios हैं वो 90 degree से ज़्यादा वाले angles की भी होती हैं. Plus one में सीखोगे. But in our syllabus, we will learn, we will do the questions only from 0 degree to 90 डिग्री. एक्यूट एंगल्स की रेशियोज आपके सिलेबस में हैं, राइट? सो आई टोल्ड यू दैट व्हेनेवर यू हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यू हैव टू डिसाइड फर्स्टली इन राइट एंगल ट्रायंगल दैट विच विल बी द हाइपोटेन्यूज विच विल बी द बेस एंड विच इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज हैविंग इट्स फिक्स्ड प्लेस दैट इज ऑपोजिट टू 90. हाइपोटेन्यूज हमेशा जो है वो 90 के ऑपोजिट होता है. तो ये तो पता चल गया दिस इज हाइपोटेन्यूज. नाउ टू डिसाइड अबाउट बेस एंड परपेंडिकुलर यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड दैट द एंगल ऑफ विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यू आर गोइंग टू फाइंड दैट एंगल शुड बी अलोंग विद द 90 डिग्रीज लाइन. ठीक है सो उसी साइड को जो एंगल 90 डिग्री के साथ साथ है और जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है विल टेक इट टू बी बेस. And whatever is left, that will be regarded as perpendicular. ठीक है? So हमने क्या किया था? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले, सोना, चांदी, तोले.
This is the way to write it. Perpendicular over hypotenuse is sine theta. Base over hypotenuse is cos theta. And perpendicular over base is angle. Ab, I was looking out some sample papers. I see that so many case studies were there in the sample papers of introduction to trigonometry in which this concept is applied. कि आपसे उसने पूछ लिया tan p minus sin q, sin a minus cos c, मतलब एंगल को चेंज करके वैल्यूज पूछ रहा है पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली. तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे एंगल के चेंज होने से हमारा बेस एंड हाइपोटेन्यूज जो है वो सॉरी बेस एंड परपेंडिकुलर जो है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, दिस वी विल डू इन द क्वेश्चंस. अभी के लिए इतना याद रखो. देन अब अगर आपको साइन कॉस और टैन के फॉर्मूलाज आ गए, यू कैन वेरी इजीली डू द सीकेंट कोसेकेंट एंड कॉट. एज यू नो दैट कोसेकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो दिस इज 1 बाय साइन थीटा. सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, cot is reciprocal of tan, 1 by tan theta. Now one more thing we have done, look at page number 177 rather. There is one result that values of trigonometric ratios of an angle do not vary with the length of the sides of the triangle if the angle remains the same. क्या कहना चाहता है वो कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज वी आर हैविंग अ राइट एंगल ट्राइंगल से ए बी सी राइट एंगल डेट, मैंने एंगल ए की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाली, साइन ए निकाला, साइन ए this is perpendicular over hypotenuse, perpendicular is bc and hypotenuse is this, right? agar main in sides ki ratio ko matlab sides ki length ko kam kar dun, suppose I am taking perpendicular to be here, aise kar dun, and then I find sin a, this is again perpendicular mp and over hypotenuse AP. So, ये जो दो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, आप देखो जरा सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए उसने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बाय AA सिमिलरिटी. हमने किया नहीं सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट, अभी हम करने लगे थे चैप्टर, फिर हमने सोचा था कि बाद में करेंगे इस चैप्टर को. ठीक है, यू नो दिस दीज टू ट्रायंगल्स दे आर सिमिलर एंड दिस एंगल कॉमन एंड दीज टू आर 90 बाय AA सिमिलरिटी, बोथ आर सिमिलर. And what is the characteristic of the similar triangle? In the similar triangle, the sides, they are corresponding sides are in same ratio. ठीक है, तो इसका मतलब ratio of the side BC MP upon BC कैसे ले लिया, एक मिनट, हमने लिया MP upon AP. ठीक है, हमारे पास जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग पहले हम लिखेंगे, एक मिनट, वी आर हैविंग ट्राइंगल AMP सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, सो वी आर हैविंग MP upon BC is equal to AP upon AC. हमारे पास ये आ रहा है MP upon BC is equal to AP upon AC using the concept of similarity. जबकि इसके accordingly हमारे पास BC और AC का relation है. आप cross multiply कर दो, BC को उधर ले जाओ. MP upon AP, this is BC upon AC. MP upon AP is equal to BC upon AC. अब यहाँ पे बिल्कुल ये चीज क्लियर है कि ये दोनों रेशियोस इक्वल आ रही हैं, दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं. व्हाट इट मींस कि अगर हमारे पास लेंथ वेरी कर जाए किसी ट्राइंगल में, अभी मैंने लेंथ बीसी ली, फिर मैंने लेंथ स्मॉल कर दी सेम रेशियो में, एंड देन आई एम टेकिंग द लेंथ ए बी एंड शिफ्टेड टू द लेंथ ए एम, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देयर वैल्यूज आर नॉट इफेक्टेड,
till the angle remains the same. So how you will remember the result? That the values of the trigonometric ratios of an angle do not vary with the lengths of the sides of the triangle if the angle remains the same. Length, side की length के साथ ये trigonometric ratios की values जो हैं वो vary नहीं करेंगी until or unless we are taking the trigonometric ratio of the same angle. कि जब side BCAC है तब भी मैंने sin A निकाला, sin of angle A निकाला and then sin of angle A ही निकाला, तो वो vary नहीं करेंगी. This is one result that we have learned. Then we have done tan and cot in terms of sin theta and cos theta. I'm not going to explain the proof. You just remember it, tan theta is equal to sin theta upon cos theta. Similarly, cot theta is equal to cos theta upon sin. ये किया हमने relation. फिर हमने किया कि अगर हम लिखते हैं cos square theta, this is same as cos theta whole square. जब भी किसी trigonometry की ratio के trigonometric ratio के ऊपर हमारे पास कोई power है, that is its whole power, not only square. If I am considering it to be cos raised to power 4 theta, this will be cos theta raised to power 4. ये हमारे पास cos theta की power 4 आ जाए, ठीक है? चलिए, so this is what we have done for first exercise. Then table value करी थी. चलो पहले first exercise में से कुछ questions करते हैं. Then we will start with the table value. Exercise 8.1. I am doing fourth question. 15 cot A is equal to 8. What is the value of sine A and secant A? 15 cot A is equal to 8 sine A and secant A की value हमें निकालनी है. जो हमें दिया हुआ है, let us take. Naturally, जो trigonometric ratios हैं, they are of acute angle, right angle triangle we have to take. So I am taking one right angle triangle with A as acute angle. Now, cot is a reciprocal of tan. Tan is perpendicular over base. So what will be cos? Base over cot, base over perpendicular. अब अगर यहाँ पे देखें तो ये hypotenuse हुआ, जहाँ पे A और 90 इकट्ठे बैठे हैं वो base हो गया और ये हो गया perpendicular. Base is AB and perpendicular is BC. अब क्या होता था जब हमारा subjective paper होता था तो we used to say कि यहाँ से आप AB को constant of ratio के साथ let करोगे. That means AB की value 8k and BC की value 15k आएगी. But अभी तो यहाँ पे कुछ ऐसा रहा ही नहीं, हमारे MCQs हैं. अब फटाफट से यहाँ पे AB की value 8 और BC की value 15 लिखो. ठीक है, and you want to find AC, आपको AC चाहिए, AC is hypotenuse using Pythagoras theorem. तो मैं फटाफट से इसको short में कर दूँ, 225 plus 64, this is 289 and that is equal to 17. So hypotenuse comes out to be 17. When you detect all the values of the particular sides of right angle triangle, then you can find any trigonometric ratio. As you can find here, sin A. क्या होता है sin A दिलप्रीत? एक मिनट. दिलप्रीत कैसे पास होना है बेटे? आज हमारा टेस्ट है. You people have revised. क्या कह रहे हो राघव? इसके 20 नंबर. साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बीसी ओवर एसी, 15 अपॉन 17. नाउ यू वांट टू फाइंड सीकेंट ए. सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट इज हाइपोटेन्यूज ओवर. मुझे साइन कॉस टेन याद रहते हैं, मैं उनको उल्टा के बाकी फाइंड कर लूँ.
So this is hypotenuse over base. 17. Oh, sorry. Cos is base over hypotenuse. This is hypotenuse over base. This is answer, right? Look at sixth question. Sixth question देखो, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, A and B are acute, C 90 degree, this is hypotenuse. We are given cos A is equal to cos B, then angle A should be equal to angle B. यहाँ पे आप cos A and cos B का formula लगाओ. Cos A base over hypotenuse. AC over AB. Cos B अब क्या आएगा? Base कौन बन गया आप? B angle के accordingly. BC. AB कट हो गया. AC is equal to BC. When in a triangle, two sides are equal, then opposite base angles will also be equal. AC के opposite हमारा angle B. BC के opposite angle A. Look at question number 10. Question number 10. In triangle PQR, right angled at Q. There is a triangle PQR, which is right angled at Q. PQ plus QR, this is equal to 25. And PQ is equal to 5. PQ particularly is given to be 5. And this is PR. PR plus QR, this is given to be 25. Determine the value of sin P, cos P and tan. अब देखो, अगर हमें किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालनी है तो हमारे पास साइड सारी होनी चाहिए, राइट? अब यहाँ पे साइड्स जो है, एक ही साइड की वैल्यू हमें गिवन, इसकी वैल्यू गिवन, इन दोनों की वैल्यूज हमें निकालनी है. सबसे पहले तो ना हो आइसोसेलेस, राइट एंगल से ही मारा. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. तो राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ भी ना हो तो क्या होता है? जब 90 डिग्री एंगल है तो क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर perpendicular square plus base square. PR square is equal to PQ square plus QR square. अब सबसे पहले तो जो आपके पास है उसकी वैल्यू पुट कर दो. We are having PQ. Let us replace value of PQ. अब एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकल सकती है. बट यहाँ पे व्हेन वी आर सॉल्विंग वी आर गेटिंग टू वेरिएबल्स एट ए टाइम. पी आर भी है इसमें, क्यू आर भी है. तो हम क्या करेंगे इस पूरी इक्वेशन में, इधर वी विल सी पी आर और क्यू आर विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1. इस गिवन की हेल्प से हम इस इक्वेशन में पी आर को इन टर्म्स ऑफ क्यू आर रिप्लेस कर देंगे. क्या आएगा? 25 माइनस क्यू आर.
Now यहाँ पे formula use करो, a minus b whole square. This is a square, b square minus 2ab. So we are having six 25 plus qr square minus 50 qr is equal to 25 plus qr square. Qr square get cancelled. This is 625 minus 25 is equal to 50 qr. मैंने qr को एक साइड पे कर लिया और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे रख लिया. This becomes 650. Sorry, 600 is equal to 50 qr. 600 over 50, this is qr. qr comes out to be 12. Solve करके नहीं पता चला प्रप्रीत, formula लगाया है minus b whole square, बोला इसको. This is qr, qr square get cancelled. Constants को इकट्ठा कर लिया. 625 minus 25 minus 50 भी QR को उधर ले गए. इसके बाद QR की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई. और इस इक्वेशन में व्हेन यू विल पुट QR यू विल गेट PR. इसमें पुट कर दो QR को 12, यू विल बी गेटिंग PR टू बी 13. और जब आपके पास सारी साइड्स आ गई, यू कैन फाइंड एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. कोई भी फाइंड कर सकते हो, साइन पी, कॉस क्यू, कोसेकेंट आर, cot r, anything you can find, right? इसके साथ का आपके पास एग्जाम्पल भी है. एग्जाम्पल नंबर 5 देखो एक बार. सी एग्जाम्पल नंबर 5. सपनों में देखेंगे, बुक्स तो है नहीं, है ना? बुक लेके आया करो अपनी. केशव, वेयर इज योर बुक? सजल, राघव, लग गया पता. चलिए जो 11th क्वेश्चन है वो बाद में करेंगे, पहले मुझे टेबल वैल्यू डिस्कस करनी है, उसके बाद बताऊंगी ट्रू फॉल्स. बिकॉज दीज ट्रू फॉल्स दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट नाउ. तो मतलब यू शुड सी दैट वट एवर फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स कॉन्सेप्ट दे आर इन द बुक. मतलब एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी फिलिंग द ब्लैंक्स, दे माइट बी देयर इन द वन फॉर्म और द अदर फॉर्म, राइट? चलिए, देन वी आर हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स. अदरवाइज तो देयर प्रूफ्स आर देयर ऑल्सो देयर इन योर सिलेबस, बट बींग ऑब्जेक्टिव पेपर वी कांट से एनीथिंग अबाउट द प्रूफ की वो कैसे डालेंगे. एनी हाउ, सो लेट अस डिस्कस द टेबल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. आई टोल्ड यू अर्लियर हाउ टू रिमेंबर द वैल्यूज, लेट अस रिकॉल. ये थीटा की वैल्यू होगी, साइन थीटा एक लाइन छोड़ दो, लीव वन लाइन. तीन को याद करने से आपको सारी याद हो जाएंगी, रादर एक को याद करने से सारा लिखा जाएगा टेबल. सिंगल टेबल वैल्यूज कैन हेल्प यू टू राइट द होल टेबल. साइन जीरो जीरो, साइन थर्टी वन बाय टू, साइन फोर्टी फाइव वन बाय रूट टू, एंड सिक्सटी रूट थ्री बाय टू, नाइनटी इज वन. अब कॉस की वैल्यूज को बस आप ये सोचो, इसको पैरों से उठा के सिर इसका नीचे कर दो और पैरों से पकड़ लो, रिवर्स कर दो. दिस विल बी वन रूट थ्री बाय टू, वन बाय रूट टू, वन बाय टू, उल्टा कर दिया. वैसे तो टैन आपको याद कर लेना चाहिए, अदरवाइज यू नो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा. ठीक है, वैसे याद कैसे करते हैं, साइन टैन जीरो जीरो, दो याद कर लो बाकी सारी याद हो जाएंगी. टैन थर्टी वन बाय रूट थ्री,
45 ऊपर वाला 1, 60 नीचे वाला रूट 3 एंड 90 नोटिफाई इंफिनिटी. डिवाइड करके देख लो. हाँ टेन जीरो जीरो टेन थर्टी वन बाय रूट थ्री. अब 45 में ऊपर वाला 1 आ जाएगा, 60 में नीचे वाला रूट 3 आ जाएगा, 90 इंफिनिटी. अगर नहीं ऐसे याद हो रहा तो डिवाइड करके देख लो. साइन ओवर कोस है ना, 0 ओवर 1 0, दिस ओवर दिस 1 बाय रूट 3, दिस ओवर दिस 1, दिस ओवर दिस रूट 3, 1 ओवर 0 इंफिनिटी. ठीक है. तो ये चीज आपको इजीली वैसे tan थीटा को याद कर लो. दिस इज 0, 1 बाय रूट 3, वैल्यू इज 1 एट 40, रूट 3 एट 60 एंड इंफिनिटी एट 90. अब हमारे पास रेसिप्रोकल है साइन का, सीकेंट कॉस का, सीकेंट टैन का. एंड इफ यू नो साइन एंड यू नो दैट कोसेकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, जस्ट रिवर्स द वैल्यू ऑफ साइन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट. जीरो का रेसिप्रोकल इनफिनिटी, टू रूट टू, टू बाय रूट थ्री, दिस इज 1, राइट. सिमिलरली सीकेंट का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, दिस इज 1, टू बाय रूट थ्री, रूट टू, टू इन्फिनिटी. कॉट का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, रूट थ्री, वन, वन बाय रूट थ्री एंड इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0. दिस इज द वे टू रिमेंबर द वैल्यूज फॉर द डिफरेंट एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वेयर एंगल्स दे आर वेरिंग फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, बिकॉज वी आर वर्किंग ओनली फॉर द एक्यूट वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट. सो लेट अस डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम. Look at first question, fifth part. This is 5 cos square theta 60 degree plus 4 secant square 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 ओवर साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30. जस्ट इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है और हमारा 6th-7th वाला क्वेश्चन बन जाना है कि कैसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं न्यूमिरेटर ओवर डिनोमिनेटर के फॉर्म. हाँ जी सजल, व्हाट इज कॉस 60? जो साइन 30 है वो कॉस 60 है. साइन 30 क्या होता है? 1 बाय 2. तो कॉस 60 1 बाय 2. अब यहाँ पे 1 बाय 2 का क्या लिखेंगे? स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है. ठीक है. प्लस सीकेंट किसका रेसिप्रोकल? कॉस का. कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 रूट 3 बाय 2. तो सीकेंट 30 क्या आएगा? 2 अपॉन 2. कॉस को याद कर लिया तो सेकेंड अपने आप ही याद आ जाएगा. टेन 45 साइन 30 1 बाय 2. हाँ सीधी आइडेंटिटी लग रही है. वैसे तो ठीक कह रहा राघव कि नीचे पुट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि कहीं पे किसी ने आपका चेक नहीं करना, आपका आंसर देखना है. तो नीचे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी सीधा 1 अभी करेंगे ना आइडेंटिटीज, तो आपने की भी हुई है. यू कैन राइट डायरेक्टली 1, सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर. लुक फर्स्ट, लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 एंड टेन a minus b equals to 1 by root 3, where a plus b and a minus b, their values, they lie between 0 to 90, acute angles hain. Inka sum bhi acute angle ban raha hai, unka difference bhi acute angle ban raha hai. Why so? Because we did it, the values for acute angles only. Now, if tan theta is root 3, what will be value of theta? Agar tan theta
रूट थ्री है, टेन टेन की वैल्यू रूट थ्री कितने एंगल, कौन से एंगल पे होती है, 60 डिग्री। इसका मतलब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और टेन की वैल्यू वन बाय रूट थ्री कहाँ होती है, 30 पे, ए माइनस बी शुड बी 30। नाउ यू कैन सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड, ऐड करोगे बी बी कैंसिल हो जाएगा, लेट अस ऐड दैट, दिस गेट कैंसिल, दिस इज 2a 90 एंड a इज इक्वल टू 45, किसी एक में पुट कर दो यू विल गेट b, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, इज इट ओके, साइन ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। आप किसी कोई दो वैल्यूज ले लो एंगल की, एक 60 ले लो, एक 45 ले लो, नहीं वो वाली वैल्यूज लो जिनका सम भी हमें पता है, 30 एंड 60 ले लो, आप देख लोगे कि इट इज रॉन्ग, तो वहां पे वन नहीं आ जाएगा ना, वहां पे दोनों इक्वल आ जाएंगे, नो इफ इफ समथिंग इज इक्वल इट शुड बी इक्वल फॉर ऑल द वैल्यूज, ये इक्वल नहीं है तो हमें एक ऐसी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी जिनके लिए इक्वल नहीं है। You take one to be 30 and another to be 60 and you will get it accordingly. So we continue tomorrow. Till then take.